तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 12 टेक्स्ट बुक। एंड फॉर दिस चैप्टर वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन बेसिकली फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। मैंने आपको बताया था कि किसी एक फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर तब बोल सकते हैं जब उसमें चार के चारों फ्लोरल होल्स प्रेजेंट हों, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। अगर ये चारों फ्लोरल पार्ट्स हैं किसी फ्लावर में तब हम उस फ्लावर को क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट फ्लावर बोल सकते हैं। कैलिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलेंगे कैलिक्स, और सेपल्स जो हैं ये ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड बीइंग क्लोरोफिलस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये बड स्टेज में डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को कवर किए रहता है, यानी कि प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा होगा। और कोरोला के लिए हमने बताया था आपको कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलेंगे कोरोला, और पेटल्स कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे फॉर द पॉलिनेशन। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कैलिक्स एंड कोरोला की, तो ये दो के दोनों फ्लोरल होल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, सो दैट मैंने आपको बोला था कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल्स होंगे। और इतना कहके मैंने आपसे ये कहा था कि इन फ्लोरल होल्स को, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल्स को हम लोग इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं एंड्रोसियम एंड गायनोसियम की, यानी कि थैलेमस पे प्रेजेंट थर्ड एंड टॉप मोस्ट फ्लोरल होल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो एंड्रोसियम को मैं बोल रहा हूँ मेल सेक्स ऑर्गन, गायनोसियम को मैं बोल रहा हूँ फीमेल सेक्स ऑर्गन। और चूंकि ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमिट्स बनेंगे, तो ये डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे होंगे इन द प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंड्रोसियम एंड गायनोसियम मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव होल्स या रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल्स। और मैंने आपको कहा था कि इन्हीं दोनों फ्लोरल होल्स को हम लोग डिटेल में करेंगे इस चैप्टर में। और अभी तक के पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, यानी कि हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से एंड्रोसियम को, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो दैट वी कैन इजीली प्रोसीड फॉर आवर फर्दर डिस्कशन। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ मेल सेक्स ऑर्गन की, तो अभी मैंने आपको बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम को हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टेमेन, एंड स्टेमेन इटसेल्फ इज कंसिस्टिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वन इज फिलामेंट और दूसरा इसमें जो मेल फर्टाइल पार्ट है इसको मैं बोल रहा हूं एंथर। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंथर जो है इसमें दो लोब्स होंगे, यानी बाइलोब अरेंजमेंट होगा, फोर थीकास होंगे यानी टेट्राथीकस अरेंजमेंट होगा, और फोर माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, यानी इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही थी जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, और इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स को हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, हर एक माइक्रोस्पोर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, मेल गैमेटोफाइट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मेल सेक्स ऑर्गन की, तो मेल सेक्स ऑर्गन को मैं बोल रहा हूं एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम की पढ़ाई हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टैमेन से, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन में पढ़ा स्टैमेन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा, एक वर्सेटाइल स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला था, फिलामेंट। और फिलामेंट जो है ये कंडक्शन में हेल्प करेगा, वाटर एंड फूड की कंडक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और ये एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन थैलेमस एंड एंथर। और मैंने आपको बताया कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द एंजियोस्पर्मी प्लांट स्पीसीज में
each anther has two lobes, so that the arrangement of an anther in terms of lobes is bilobed, and each lobe has two thecas. और इस वजह से हम अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डाइथीकस अरेंजमेंट. एंड इन ईच थीका देयर विल बी अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम. क्या बोला था हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम. यानी कि एंथर की एनाटॉमी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था इसमें फोर वॉल्स होंगी. सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मेटल लेयर्स, फिर टैपेटम. और टैपेटम के अंदर यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम. एक एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे. इस वजह से अरेंजमेंट ऑफ एन एंथर इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज टेट्रास्पोरेंजिएट. और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो मियोसिस से, यानी मियोसिस सेल डिविजन के थ्रू फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगी. और उन डॉटर सेल्स को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर्स. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और फिर हमने ये कहा था कि जो ये चार के चारों माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, इनिशियली ये एक क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो लेटर ऑन कैलेज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से सारे के सारे ये चारों माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो जाते थे. और हर एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता था जब एंथर डिहाइड्रेट करता था, मैच्योर करता था, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में, दैट वाज आर मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, पॉलन या पॉलन ग्रेन्स. तो सबसे पहले हम लोगों ने एंड्रोसियम, फिर एंड्रोसियम में स्टैमेन, स्टैमेन में फिलामेंट और एंथर पढ़ा. और एंथर में हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में एक प्रोसेस पढ़ी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से क्या बने, पॉलन ग्रेन्स, जिसको हमने क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट या पॉलेंस या पॉलन ग्रेन्स. मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट को ही बोल रहे हैं क्या, पॉलेंस, या पॉलेंस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स. तो मेल गैमेटोफाइट, पॉलन और पॉलन ग्रेन, ये तीनों एक ही बात है, या एक ही स्ट्रक्चर के लिए हम ये तीन अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा, या हम ये कह सकते हैं कि बचपन से ही एक मिथ के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बहुत सारे बच्चों के ब्रेन में, कि जो गैमेटोफाइट्स हैं और जो गैमीट्स हैं ये एक ही बात है. तो मैंने आपको बताया भी था, फिर बता रहा हूं कि गैमेटोफाइट्स और गैमीट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों एक ही बात नहीं है. इनफैक्ट गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे गैमीट्स. जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं मेल गैमेटोफाइट की, तो मैंने आपको बताया था कि एक माइक्रोस्पोर से बनेगा ये मेल गैमेटोफाइट, और अगर माइक्रोस्पोर एक सेल है तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा. फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इसको आप अपने कमरे से रिलेट करें तो यहाँ पे कमरे में आपके ये क्या हो गया, आपके कमरे का कर्टेन या पर्दा, और इसके बाहर यहाँ पे कंक्रीट और सीमेंट या पत्थर की बनी हुई एक हार्ड वॉल होगी आपके कमरे की, जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस होगी. जगह जगह पे एंट्री पॉइंट्स छूटे हुए होंगे जिससे आप कमरे के अंदर आ सकते हैं और उससे बाहर जा सकते हैं. तो अगर हम इसको रिलेट करें मेल गैमेटोफाइट से, इस एनालॉगी को मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन से रिलेट करें, तो यहाँ पे इसके अंदर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज, ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इसमें पहली बार माइटोसिस होगी. और ये माइटोसिस जो है ये असिमेट्रिकल माइटोसिस होगी, यानी कि इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा किसका, साइटोप्लाज्म का. अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से देयर विल बी टू डॉटर सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज. यहाँ पे दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी ऑफ अनइक्वल साइज, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन तो प्रॉपर होगा लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होगा. यानी कि एक सेल ये बनी और एक सेल ये बनी, एक न्यूक्लियस ये, यानी कि एक ह्यूज विगर सेल बनी जिसको हमने बोला था वेजिटेटिव सेल, एक बहुत छोटी सेल बनी जिसको हमने बोला था जनरेटिव सेल. और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और वी कैन से इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज,
पॉलन ग्रेन्स की सेडिंग होती है एट टू सेल स्टेज, एक यहां पे वेजिटेटिव सेल और एक यहां पे जनरेटिव सेल। और इसके बाहर यहां पे एंटाइन, इसके बाहर यहां पे स्पोरोकोलेनिन की बनी हुई एक हार्ड लेयर जो कि डिसकंटिन्यूअस होगी, जिसको मैंने बोला एक्साइन। और यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट्स छूटे हुए हैं इसको हम बोल रहे हैं जर्म पोर। और जर्म पोर पे जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई एक्साइन लेयर नहीं होती है, वहाँ पे एंटाइन लेयर में एक एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है कैलोज कार्बोहाइड्रेट की, जिसको मैंने बोला था ये आपके घर का डोर है रूम का। तो 60% ऑफ द प्लांट स्पीसीज में इस टू सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स की सेडिंग होती है, यानी ये लैंड करते हैं on the stigma of the flower, and after the landing, or we can say after the pollination, ये जो generative cell है ये divide कर जाती है, और ये जो generative cell है ये divide करके दो cell में convert हो गई, यानी कि यहाँ पे second mitosis हुई, ये एक male gamete और ये एक दूसरा male gamete है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब generative cell divide कर रही है pollen grains के अंदर, तब दो सेल्स बन रही हैं, उसको हम बोल रहे हैं मेल गैमेट्स। फिर मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझिए, मैंने आपको बोला कि जब सेकेंड माइटोसिस, दूसरी बार माइटोसिस हो रही है जनरेटिव सेल में इनसाइड पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट्स, तब जो दो डॉटर सेल्स बन रही हैं उनको हम बोल रहे हैं मेल गैमेट्स। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि मेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बन रहे हैं मेल गैमेट, या मैं जनरलाइज करूं अगर इसको तो गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बन रहे होंगे गैमेट्स। जैसे कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को हम बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट, और इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर यहाँ पे बन रहा है मेल गैमेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको दोबारा क्लियर कराया इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या क्रैक करने के लिए कि गैमेटोफाइट और गैमेट एक ही चीज है। तो आपको आप समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर ढंग से कि गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे गैमेट, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं मेल गैमेट्स जनरेटिव सेल में माइटोसिस होने की वजह से। तो इतनी पढ़ाई हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मोस्ट क्रूशियल इवेंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये थोड़ा सा टफ माना जाएगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम लोग ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पढ़ाई की है अभी तक, और ये हम हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी पढ़ाई है, इसको भी हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं या इसलिए करने वाला हूं, इससे आपको दो बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। एक तो ये कि जो अलग अलग टर्म्स आप बहुत बार रटते फिरते हैं उसको बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे अगर सेम सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो, और अगर दो चीजों के बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो हमको चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, और हमें अलग अलग दोनों चीजों को नहीं रटना पड़ता, यानी हम ये कह सकते हैं रटना ही नहीं पड़ता। तो एक बहुत बड़ा फायदा तो हमको ये मिलने वाला है सेम सीक्वेंस को फॉलो करने में, कि हमें अलग अलग टर्म्स को यहाँ पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और अगर रिलेट कर लेंगे दो चीज़ों को आसानी से तो हमें अलग अलग नहीं रटना पड़ेगा, एक अगर हम मेमोराइज कर लेंगे तो दूसरे को हम हमेशा याद रख पाएंगे बिना रटे। और दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा हमको मिलने वाला है वो ये कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं यहाँ पे जिनके लिए हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कि मेल गैमेटोफाइट्स क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोर्स किसको बोलते हैं, मेगा स्पोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, ओव्यूल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो टर्म्स हैं जिनको लेकर के हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, रटते रहते हैं, यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप यहाँ पे रिलेट करके पढ़ेंगे सेम सीक्वेंस में दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो जो बहुत अलग अलग तरीके के मिसकंसेप्शंस हैं वो उनको आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, कभी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा दो चीज़ों के बीच में। जैसे कि मैं आपको रिलेट करके बताऊं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि अगर मैं मेल सेक्स ऑर्गन की जगह पर पढ़ रहा हूँ फीमेल सेक्स ऑर्गन,
तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन के लिए हमने एक टर्म यहाँ पे यूज किया दैट इज एंड्रोसियम, इसी तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यहाँ पे मैं एक टर्म आपको बता रहा हूँ दैट इज गायनोसियम। तो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताया दैट इज गायनोसियम। तो यहाँ पे आप देखिए एक वर्ड हमने लिखा है एंड्रो और यहाँ पे लिखा है गायनो। तो आपको मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंड्रो जो वर्ड है ये डिराइव्ड है किससे, एंड्रोजन से, और एंड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एंड्रोजन, और वहां से ये टर्म लिया गया है एंड्रो। यानी कि ये समझना है हमको यहाँ पे कि एंड्रो वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसके लिए मेल्स के रेफरेंस में या मेल के लिए यूज करते हैं, और गायनो वर्ड बहुत कॉमन है, आप लोग सुने होंगे गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल के डॉक्टर्स होती हैं जो, तो गायनो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए। तो मेल सेक्स ऑर्गन को इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं एंड्रोसियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे हैं गायनोसियम। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एंड्रोसियम ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोलेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंड्रोसियम की यूनिट को हम बोल रहे हैं स्टेमेन। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग गायनोसियम की यूनिट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है पिस्टिल, जिसको मैं बोल रहा हूँ पिस्टिल, या फिर इसी को मैं बोल रहा हूँ कार्पेल, या इसी का एक और नाम होता है मेगा स्पोरोफिल। लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक नाम दिया हुआ है दैट इज पिस्टिल, लेकिन मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट नाम बताया याद रखना है दैट इज कॉर्पल। तो मैंने आपको बताया कि गायनोसियम की यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे पिस्टिल या कॉर्पल। तो पिस्टिल या कॉर्पल दोनों एक ही बात है। जिस तरीके से स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं एंड्रोसियम, जिस तरीके से हम लोग स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम या एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं, इसी तरीके से हम लोग पिस्टिल या कॉर्पेल के ग्रुप को गायनोसियम बोलेंगे, या फिर गायनोसियम की यूनिट को बोल रहे हैं कॉर्पेल या पिस्टिल। तो कॉर्पेल पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल एक ही बात है, और ये यूनिट कंसीडर करी जाती है किसकी गायनोसियम की, ये यूनिट कंसीडर किए जाती है किसकी गायनोसियम की। तो जिस तरीके से स्टेमेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने पढ़ा था फिलामेंट और एंथर, तो यहाँ पे हम लोग कॉर्पेल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, एक स्टेग्मा, दूसरे को हम लोग बोलेंगे स्टाइल, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ओवरी। तो जिस तरीके से स्टेमेन में फिलामेंट और एंथर पढ़ा था, इस तरीके से कार्पल और पिस्टल में हम लोग पढ़ेंगे स्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी। और यहाँ पे एंथर के अंदर प्रेजेंट था माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसी तरीके से यहाँ पे ओवरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम। तो माइक्रो वर्ड मेल के लिए यूज करते हैं हम लोग, और मेगा वाला जो वर्ड है ये यूज करते हैं हम लोग फीमेल्स के लिए। तो जिस तरीके से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, इस तरीके से ओवरी के अंदर हम लोग देखेंगे मेगा स्पोरेंजियम, और इसी मेगा स्पोरेंजियम को हम लोग बोलेंगे ओव्यूल, इसी मेगा स्पोरेंजियम को हम लोग बोलेंगे ओव्यूल, या फिर इसी को इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। और माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही थी, या ये कह सकते हैं कि माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर यहां पे प्रेजेंट थी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहां पे मेगा स्पोरेंजियम के अंदर हम लोग देखेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। इस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही थी, इसमें भी ये भी मदर सेल है तो इसमें भी होगी मियोसिस, और इसमें फोर डॉटर सेल्स बन रही थी जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोल रहे थे। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस जो मेगा स्पोर मदर सेल में होगी, यहाँ पे भी फोर इंपॉर्टेंट डॉटर सेल्स बनेंगी जिसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर्स। और जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे, उसी तरीके से हम लोग मेगा स्पोर्स मदर सेल से मेगा स्पोर्स बनने की प्रोसेस को बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस से जो मेगा स्पोर्स बनेंगे, जिस तरीके से माइक्रो स्पोर्स मेल गैमेटोफाइट्स बना रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे मेगा स्पोर्स जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे।
और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट्स को हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायोसैक। जिस तरीके से मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे मेल गैमेट्स बन रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे एम्ब्रायोसैक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे फीमेल गैमेट्स। तो ये छोटी सी बात हमने आपको रिलेट करके बताई, एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, और अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे गायनोसियम। तो जिस तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोसियम, उसी तरीके से हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन को गायनोसियम बोलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन में ग्रुप ऑफ स्टैमेन होंगे, यानी कि एंड्रोसियम ग्रुप ऑफ स्टैमेन को बोल रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्टैमेन यूनिट है किसकी, एंड्रोसियम की। इसी तरीके से जो गायनोसियम की यूनिट होगी इसको हम लोग बोलेंगे पिस्टिल या कॉर्पेल, पिस्टिल या कॉर्पेल दोनों एक ही बात है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था स्टैमेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे फिलामेंट और एंथर, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे पिस्टिल या कॉर्पेल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, तीन डिफरेंशिएबल पार्ट्स होंगे, एक स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा क्या होगा, ओवरी। एंथर के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, ओवरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल दोनों एक ही बात है, इसी को हम इंटिग्रमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो जैसे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, उस तरीके से हम लोग ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे, माइक्रोवर्ड फीमेल के लिए और मेगावर्ड फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, ओवरी के अंदर हम लोग देखेंगे मेगास्पोरेंजियम, जिसको और क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी। मदर सेल दोनों है तो दोनों में मियोसिस होंगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, जो चार सेल्स प्रोड्यूस होंगी डॉटर सेल्स, उनको हम माइक्रोस्पोर्स बोल रहे थे। इसी तरीके से मेगास्पोर में जब मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी, तो जो फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी उनको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर्स, और प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। और जैसे माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट्स बनाते थे, उसी तरीके से मेगास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे, और मेल गैमेटोफाइट को हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते थे, फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रायोसैक बोलेंगे। और जिस तरीके से मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होगा या प्रोड्यूस होगा, इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे या प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, यानी कि हम अगर इसी सीक्वेंस में जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसी सीक्वेंस में अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिलेट करें, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एंड्रो और गायनो यहाँ पे हमने देखा, और इस तरीके से हमने माइक्रो वर्ड यूज किया मेल के लिए, मेल के लिए, और मेगा वर्ड यूज किया फीमेल के लिए। तो एंड्रो एंड्रोजन से है, मेल के लिए, मेल सेक्स ऑर्गन हार्मोन है ये, और गायनो वर्ड फीमेल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ये दो बातें बहुत आसानी से क्लियर हो गई, माइक्रो यूज करते हैं मेल्स के लिए, मेगा यूज करते हैं किसके लिए, फीमेल्स के लिए। तो बस इतनी सी बात, अगर इतनी सी बात आप रिलेट कर सके तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझना फीमेल।